नमस्कार। सो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नीट के रिजल्ट आ गया है और विवेक गुप्ता करियर काउंसलर MBBS काउंसलर और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक रही है। तो सबसे पहली खबर जो आप लोगों को था, पिछले साल जो 137 कट ऑफ था नीट जनरल कैटेगरी का, वो 164 हो गया है। तो याद है मीनापुर जी कहा था कि 15-20% बढ़ सकता है, मैं 155 बोला था, 164 आ गया। दैट मीन्स मेरे ही दो क्लाइंट थे 154-156 वाले, जो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपके 154-164 से कम हैं तो अब आप मेडिकल सीट नहीं ले सकते इंडिया में और बाहर भी। तो अब आप नीट से बाहर हो गए या मेडिकल एक्सपीरियंस से बाहर हो गए। 164 मार्क्स इज़ दी कट ऑफ फॉर जनरल एंड EWS एंड फॉर OBC ST इट इज़ 129। अभी मैं क्विकली बता रहा हूँ, थोड़ा देर में एनालिसिस करके डिटेल में बता दूंगा। और अब आप अगर और इसको ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि दो मेरे पास कार्ड हैं और दो कार्ड से आपको बहुत भयंकर जानकारी मिलेगी। लास्ट ईयर 335 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 3,45,000 थी, 335 नंबर पे 3,45,000 थी। इस साल 331 नंबर पे मेरा एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक गिर के हो गई है 5,34,000। सो 3,45,000 से हम 5,34,000 पे आ गए, माना 4 नंबर का फ़र्क है। तो शायद लास्ट ईयर 331 में और प्रिसाइज ढूंढ लेता हूँ, हमारे स्टूडेंट होते ही हैं, पर आप समझ गए इतना भयंकर। जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, पेपर आसान था, 20% लोगों ने ज़्यादा पेपर दिया था, तो इस बार सीट मिलना बहुत मुश्किल होगा कम मार्क्स वालों को, अनलेस एंड अनटिल बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी को लेकर नहीं चलते। सबसे बड़ी बात आपको एक टॉपर का बताता हूँ, 623 नंबर पर पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 16,000 थी, 623 नंबर पर 16,000 रैंक थी। इस साल ये तो बिल्कुल ही जुलम हो गया है, 627 नंबर पे 51,000 रैंक है, 627 नंबर पे 51,000 रैंक है, 623 नंबर पे पिछले साल 16,000 इंडिया रैंक थी। कन्फर्म सरकारी कॉलेज मिल रहा था 623 नंबर पे, इस बार 627 नंबर पे 51,000 रैंक हो गई है। मतलब 627 नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिलने का बहुत कम चांस है, स्पेशली अगर आप दिल्ली हरियाणा राजस्थान और बिहार से बिलोंग करते हो। कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है आई थिंक, अगर आप दिल्ली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भाई इस बार तो नॉर्मल सीट ही 640-650 पे जाएगी। 627 नंबर में भी दिक्कत हो गई है, जैसा मैंने कहा जो मेरे पास कुछ रैंक कार्ड आने शुरू हुए हैं 627 नंबर और हम सीधा गिरे हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक 51,000 जनरल कैटेगरी, राजस्थान दिल्ली डोमिसाइल है, कुछ नहीं होने वाला सरकारी में, तो बुरा हाल होने वाला है इस बार जी। जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं हमेशा आपसे कहता था कि इट इज़ ओनली द ऑल इंडिया रैंक विच मैटर्स नॉट द मार्क्स। एक और कार्ड मेरे पास पहुंच गया स्टूडेंट का, 420 नंबर पर 3,40,000 रैंक है, 420 नंबर पर 3,40,000 रैंक है। पिछले साल 410 नंबर पर 2,17,000 रैंक थी और इस बार 3,20,000 हो गई है 420 नंबर पे, जो उससे ज़्यादा हैं। तो लास्ट ईयर अगर मैं मान के चलूँ कि 420 नंबर पे 200,000 रैंक थी, भाई ये 420 नंबर पे तो 3,40,000 रैंक हो गई है। मतलब मैं 20% कह रहा था, ये तो आधी रैंक की हो गई है, आधी। तो अब ये समझिए कि जो सीट मिलनी होती है वो तो ऑल इंडिया रैंक से मिलनी होती है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, इस बार सब कुछ ख़त्म है, बहुत देखना पड़ेगा। मतलब कि आप यह मान के चलिए, जो मान के चल रहे थे 150-200-300 नंबर पे सीट मिलने वाला, वो बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है। मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दे दिए, लेकिन 20% नहीं, ये तो कट ऑफ है, तो आसमान में चली गई हैं। मैंने भी कहा ना कि भाई कहाँ 3,20,000 रैंक थी, 2,00,000 रैंक थी, कहाँ 3,20,000 है। तो परसेंटेज में देखोगे तो 60% डाउन हो गया, 60%। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक इस बार सीट लेना बहुत टफ होने वाला है, अनलेस एंटिल वी गो विद अ वेरी वेरी प्रॉपर प्लान। और यूपी तो मान के चलिए कि घटिया कॉलेज भी जो थे, अगर नए कॉलेज खुल गए तो बात अलग है, नहीं तो आप मान के चलिए कट ऑफ यूपी के सरकार वो जो सस्ते कॉलेज है 300 से ऊपर नीचे कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, वो भी जब नए कॉलेज खुल जाएंगे तो, क्योंकि रैंक जो है वो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी गिरेगी। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। मुझे अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखना है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, 9643362320 हमारा नंबर है, अगर आप हमसे अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।